हेलो गाइज, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे और सेहतमंद होएं, ऐसे आपकी लाइफ हमेशा बनी रहे। गाइज, आजकल मेरा बेटा बीमार हुआ हुआ, कल दिन से उसको इतना बुखार हुआ हुआ, रात को भी नहीं हम सो पाए, बहुत तेज बुखार हुआ इसको, मतलब इस पॉइंट पे भी इसको दर्द हुआ और यहाँ भी बार बार मैंने इसको मालिश की, इसको दवाइयाँ भी दी, और घबराहट तो हो ही जाती है ना, एक माँ ही जानती है जब उसके बच्चे को कुछ दर्द होता है, कुछ होता है, मतलब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि मौसम की वजह से हो रहा कि क्या, क्यों ऐसा हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और आजकल धूप बड़ी अच्छी आ रही है, संडे को बहुत अच्छी बारिश हुई यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बारिश हुई, मतलब जमकर बारिश हुई यहाँ पे। और आज मंडे है तो आज बच्चा स्कूल भी नहीं जा पाया क्योंकि इसको फीवर हुआ हुआ, मतलब फीवर उतर जाता है फिर दोबारा से हो जाता है, इसको बेचैनी सी हो रही है बहुत ज़्यादा, और कुछ खा भी नहीं रहा। तो मैंने इसको अभी मतलब कुछ केक दिया था ये वाला खाने के लिए, ये वाला इसको मैंने खाने के लिए ये दिया था, रात को भी बस ये, इसने 2 पीस इसके ये खाए थे। और अभी मैं इसको लिए मूंगी की धुली मूंगी की दाल बना रही हूँ और वही ठीक रहेगा, इसका मन नहीं कुछ ही हो रहा खाने के लिए। और देखती हूँ अब, दवाइयाँ तो मैंने लाई भी, देखती हूँ अब इसकी तबीयत कैसी होएगी। आप सभी दुआ करना कि इसकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और आज धूप आई हुई, मैंने थोड़े से बिस्तरे भी बाहर डाले हुए, कंबल गद्दा, और सामान गिर गया था, मैं वो सामान उठा रही थी। अब आपको मैं बताती हूँ, ये बेक कर मेरे से बाहर का मौसम, धूप भी आ रही है और बादल भी आ रहे हैं। ये हमारे इंग्लिश का स्कूल दिखाई देता है, ये हमारे बस स्टैंड से थोड़ा सा दूरी पे पड़ता है, मतलब सोलन में सबसे बेस्ट बेस्ट स्कूल है इंग्लिश, सेंट लुक्स स्कूल बोलते हैं इसको। और मैंने यहाँ पे अपना कंबल वगैरह डाले हुए, दरी भी, और भाई मैंने बिस्तर डाले हुए थोड़े से बाहर, और सारे तो नहीं डाले मैंने, कंबल डाला हुआ। और ये, और आपको मौसम बता दूँ मैं, देखो कैसे बादल आ रहे हैं, ये बिल्डिंग बहुत ही अच्छी बन रही लगी हुई अभी अभी, इसमें काम चला हुआ। और ये पेड़ है हमारे पास यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, पता नहीं किस चीज़ के पेड़ है, कुछ समझ नहीं आता, एक काफल का भी पेड़ है शायद, और एक बान बोलते हैं उसका पेड़ है। और ये हमारी गैलरी है हमारी बिल्डिंग की, और उधर ये ब्रूरी दिख रही है, मतलब ये वाला मकान है ना, जो ये वाला ये दीवार नहीं थी पहले, तब चारों तरफ को दिखता था, बहुत ही अच्छा लगता था पहले, मतलब चारों तरफ को दिखाई देता था। और देखो कैसे बादल आए हुए ब्लैक ब्लैक से, मुझे लग रहा है कि मैं ना बिस्तरा उठाना पड़ेगा बाहर से, कंबल वगैरह अंदर के लिए। और यह है मेरे आसपास का लोगों के घर, बहुत प्यारे प्यारे बिल्डिंग है यहाँ पे, बहुत ही प्यारे फ्लैट लोगों के।
गाइस पता नहीं क्यों उतनी गर्मी लगती है ना, मुझे बहुत गर्मी लगती है। देखना अभी भी, ये देखो, ये देखो, इतना पसीना, इतना पसीना, इतना। और बाहर अगर बारिश भी लगती रहे ना, तब भी मुझे ऐसी ही गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों ऐसी गर्मी लगती है और सांस बंद होने लग जाते हैं मेरे बहुत ज़्यादा। एक तो बस पता नहीं किसी की नज़र लग गई, क्या हो गया, कभी मैं बीमार हो रही हूँ, कभी मेरा बच्चा बीमार हो रहा है, मतलब बहुत परेशानी से कट रहे हैं आजकल दिन ना। ये रात की वीडियो है, जब राजीव को बहुत तेज बुखार था, उल्टी का मन हो रहा था, तो राजीव को मैंने साइड वाले बेड पे सुलाया था कि यहाँ से उल्टी भी आराम से हो जाए, अगर इसको उल्टी आए। पसीना आया हुआ था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई हुई थी इसको, मैं भी बहुत घबरा गई थी। और पटिया रखी थी मैंने इसके सिर पे, और बहुत तबीयत खराब हुई थी इसकी रात को।